नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो आइस ड्रग और 1 किलो हेरोइन की बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने हाईटेक नाकाबंदी के दौरान 1 नशा तस्कर को किया काबू, 480 ग्राम अफीम और 1 स्कूटर किया बरामद। जालंधर के भार्गव कैंप में गोली लगने से एक व्यक्ति हुआ घायल, घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर पुलिस ने 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 किलो आइस ड्रग और 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान करणदीप सिंह जीवन मनजिंदर के तौर पर हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि करणदीप दुबई, यूएई, मॉस्को, रूस में भी ऐसे काम करने के बाद पंजाब वापस आया था और उसके विदेश में बैठे गैंगस्टर गुरदेव उर्फ जैसल के साथ संबंध है और ये हेरोइन उसने पाकिस्तान से मंगवाई थी। पुलिस ने खुलासा किया कि इस तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े मानयोग सीएम साहब के जो दिशा निर्देश ने ड्रग्स अगेंस्ट जी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर न बड़ी वही कामयाबी मिली है। क्रॉस बॉर्डर जरा वाला नैटवर्क एक चल रहा है समगलर का, वो स्मैश होया। 1 किलो आइस जिन्हों मैटाफेटामाइन जो कंपाउंड है और 1 किलो हीरोइन, ये दोनों की बरामदी हुई। 3 मुलजम फड़े ने। ये सारा नैटवर्क जरा पाकिस्तान तो ड्रोन राही आ रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर तो, और ये जी मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या कि जो करणदीप है ये मेन मुलजम पखने का रहने वाला, वो पिछले साल ही वापस आया। पहला वो दुबई भी रहा और रशिया भी रहा और उस तो बाद उदे जे लिंक्स ने गुरदेव जैसल हैगा एक जड़ा गैंगस्टर हैगा बाहर है, फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर है, चंबल तरन तारण का रहने वाला है। उदे नाल लिंक भी सामने आए ने, जिस तों ये लगता कि ऑर्गनाइज गैंग गैंगस्टर नैक्सस विद नारको इन्ह का बैकग्राउंड ये फिर एक बार उभर के सामने आया। ये नाल दो ये दूजे साथी ने एक जीवन सिंह ते एक मनजिंदर सिंह, ये दोवें चोला साहब तरन तारण के रहने वाले ने। जिहड़ा करणदीप है ये 6 महीने तो तकरीबन नैगटिव है इस गल चौरे के बाहर, इन्हें संपर्क बनाए हुआ। जिहड़े दूजे दो साथी ने इहदे नाल काम करते हैं और मनजिंदर सिंह की जिहड़ी टैक्सी है वह यूज़ करते हैं जदों भी इन्होंने कोई इहोजा समगलिंग की कंसाइनमेंट के या क्रिमिनल एक्टिविटी के शामिल होना होंदा। सो ये तीनों बंदे जड़े है इंपोर्टेंट है साढ़े वास्ते, क्योंकि असी इदा दी पुछगिछ तो जी ट्रेल है गैंगस्टर्स की और नारको की, वो ते नाल जड़ा हवाला मनी का जड़ा फाइनेंशियल ट्रेल हैगी है उन्हों भी असी फॉलो कर रहे हैं। नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रखते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से विशेष रूप से संशोधित स्कूटर के डिब्बे में छिपाकर रखी गई 480 ग्राम अफीम बरामद की। तो वहीं आरोपी की पहचान लोहिया के वार्ड नंबर 7 निवासी तजिंदर पाल सिंह उर्फ तेजी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से सफ़ेद रंग के TVS जुपिटर स्कूटर को भी जब्त किया, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया गया था। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमरप्रीत सिंह खख ने बताया कि सूचना के आधार पर लोहिया पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने DSP शाहकोट ओंकार सिंह बराड़ की निगरानी में स्टेशन हाउस ऑफिसर यादविंदर सिंह के नेतृत्व में लोहिया इलाके में एक हाईटेक चेक पॉइंट स्थापित किया। उन्होंने कहा
कि चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर जादविंदर सिंह और उनकी टीम ने स्कूटर को रोका। गहन तलाशी के बाद उसमें ड्रग तस्करी के विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक संशोधित डिब्बे में छुपाई गई अफीम मिली। तो वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल होने की खबर सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पंजाब पुलिस सेवा के अधिकारी बरजिंदर सिंह PPS ने इस घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। प्राथमिक जांच में पता चला कि घायल व्यक्ति के पास एक अवैध हथियार था। ये आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति ने गलती से अपनी ही जांघ में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस घटना को लेकर घायल व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। तो वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास ये अवैध हथियार कैसे पहुंचा और क्या इसका कोई आपराधिक उद्देश्य था। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कल एक SHO भारू कैंप में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक व्यक्ति प्रिंस नाम का व्यक्ति है, जिसे पट च गोली लगी हुई है, तो सिविल अस्पताल एडमिट होया। जो मौके पर पहुंच के इन्हें वेरीफाई किया, पर उतो मौके जा चुका सी। तो इन्फॉर्म मिली भी बंदा क्रिमिनल टाइप का बंदा है, तो ये काफ़ी पहला परचे दर्ज है, तो ये को नजायज पिस्तौल भी है। गोली किसी ने मारी नहीं है, तो आप लग गई है। जिस संबंधी वेरीफी करते हुए असी उस बिना सलाह के बयान से एक परचा दर्ज कर दिता है 25,000 मिनट का। यह बंदा इस वे ऑर्थोनोम हॉस्पिटल एडमिट है, डिस्चार्ज होने के बाद पुष्टि की जाएगी। पंथक मुद्दों पर श्रोमणी अकाली दल और पूर्व प्रधान सुखबीर सिंह बादल के मामले को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से सिख बुद्धिजीवियों की मीटिंग श्री अकाल तख्त साहिब के सचिव द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें SGPC के प्रधान सहित 7 के करीब सिख बुद्धिजीवियों द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि इस मीटिंग में विचार विमर्श करने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिरों के बाहर तकरार के बाद जो माहौल बन रहा है, उससे ये लगता है कि सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं उन्होंने एयरपोर्ट पर कंकार पहनने पर रोक लगाने को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। और उन्होंने विद्वानों को कॉल किया गया और उन्होंने समेत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 7 विद्वान अज इस कदर श्री अकाल तख्त साहब जी विखे पहुंचे और उन्होंने पासों जो बड़िया बेशकीमती रावान उन्होंने अपने दिखाई ने सुझाव अपने दिते ने और जिदे साडा जिहड़ा प्रवेश है वो बहुत वधिया ढंग दे नाल जिहड़ा वो सही पासे वल असीं जा सकते हैं। और आने वाले दिनों दे विच संपदावां दे मुखी साहिबाना दी जां होर कोई संस्थावां दे मुखी साहिबान जिहड़ी एकत्रता है उहदी बुलाई जा सकती है ताकि असीं इस मसले दे हल कीते मेन मसले सीगे जिहड़े विचारे गए ने किहड़े पंथ दे किहड़े मसले सीगे। इक वड्डा मसला थोड़ा मैं तुहाडे विचार अधीन लैणा चाहुंदा है, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ हासिल करते हुए कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को ATM कैश डिपॉजिट में हेराफेरी कर 82,53,000 रुपये निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी जो कि कैशियर के तौर पर काम करता था, बैंक की उगी शाखा में अपने पद का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की साजिश रच रहा था। तो वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक खन्ना निवासी उचित वन्यू कपूरथला के रूप में हुई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि आरोपी ने धन की हेराफेरी करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका तैयार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी विभिन्न स्थानों पर एटीएम में पैसे जमा करने के लिए जिम्मेदार था। अपने पद का फायदा उठाते हुए वे एटीएम में निर्धारित नकदी का केवल एक हिस्सा जमा करता था और बाकी अपने पास रख लेता था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड में हेराफेरी की। धोखाधड़ी की ये गतिविधि तब सामने आई जब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की जीटी रोड शाखा के उप विभागाध्यक्ष हरिंदर सिंह ने औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। 17 फरवरी को नियमित ऑडिट के दौरान बैंक अधिकारियों ने एटीएम कैश रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में विसंगतियों का पता लगाया। आंतरिक जांच में कई महीनों तक रिकॉर्ड और कैश डिपॉजिट में व्यवस्थित हेराफेरी का पता चला। बैंक की शिकायत के आधार पर सदर नकोदर पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कई तरह के हेरफेर कर अपने निजी खातों में पैसे ट्रांसफर करने की बात कबूल की है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित एप्पल स्टोर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता एवं स्टोर के मालिक सुरेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके स्टोर पर लगे बिजली मीटर को जानबूझकर तेज किया गया है, जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल खपत से अधिक आया है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ लगती बिल्डिंग का मालिक उनके बिजली मीटर में कुंडी डालकर बिजली चोरी कर रहा था। इस संबंधी उन्होंने बिजली विभाग को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन बिजली विभाग पिछले 6 महीनों से इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिस कारण उनका बिजली का बिल पिछले 6 महीनों से अधिक आ रहा था। और अब उन्होंने बिजली विभाग के एक्सियन से मिलकर इस शिकायत का निपटारा करवाया, जिसके बाद इस संबंधी बिजली विभाग के अधिकारी एसडीओ गौरव मैनी और जेई भूपिंदर कुमार ने कहा कि जांच में पाया गया है कि सुरेंद्र पाल सिंह की बिल्डिंग के मीटर में साथ लगते एक निजी होटल का मालिक कुंडी डालकर बिजली चोरी कर रहा था, जिसके चलते सुरेंद्र पाल सिंह की बिल्डिंग के बिजली बिल से बनते पैसे काटकर आरोपी होटल मालिक से वसूल किए जाएंगे। वहीं जब इस संबंध में आरोपी पक्ष के होटल मालिक से बात करनी चाहिए तो होटल मालिक से संपर्क नहीं हो पाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। सर की मामला सर आज? सर मामला है कि 9 महीने असी कंप्लेंट की सी जी बिजली विभाग में, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सीगा जी। अज असी देखा तो तारा पई हुई हैं, सानू यह शक है जी कि नाल दे जिन्होंने है उन्होंने तारा पाई हैं जी। इतने होटल का नाम की है जी? दियोल चेरी। ₹2,500,000 ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਏ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਏ ਸੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਪਾਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਡਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਤਾਰ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਫਟ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कनाडा में चल रहे मंदिर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पंथक मुद्दे को लेकर श्री मकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा सिख बुद्धिजीवियों और कई सिख पंथ की शख्सियतों के साथ बैठक की गई। इस दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कनाडा में हुई घटना के बारे में कहा कि मंदिर पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, केवल मंदिर के बाहर झड़प हुई है और वह भी झड़प नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस झड़प को भी मंदिर पर हमला बताया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सिख कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं करते। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल सिखों का एक मजबूत वर्ग है और मजबूत रहेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨੋਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਰਾਤਰੀ ਕਾਲੀਨ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਕੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ 125 ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੇ SHO ਦੁਆਰਾ ERS ਟੀਮੋਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦਿਗਧ ਮਾਮਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਲੀਏ ERS टीम द्वारा ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 57 चालान जारी किए गए, जिसमें दस्तावेजों की कमी के कारण 7 वाहन जब्त किए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के राम तीर्थ रोड पर पिछले 40 वर्षों से चल रहे ब्लैक हेड पब्लिक स्कूल में अगस्त माह में भू माफिया की ओर से स्कूल के प्ले ग्राउंड में निशाना बनाकर कब्जा करने की कोशिश की गई थी और बाद में 3 नवंबर को दोबारा स्कूल की दीवार और स्टेज तोड़ी गई, जिस संबंधी स्कूल की चेयरपर्सन उर्वशी संधू द्वारा ये मामला विधायक कुंवर विजय प्रताप के ध्यान में लाकर इंसाफ की मांग की गई, जिसके बाद विधायक कुंवर विजय प्रताप ने ये मामला पुलिस कमिश्नर के ध्यान में लाया और आरोपियों पर FIR दर्ज करवाई। तो वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा 7 के करीब लोगों पर मामला दर्ज किया गया और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। तो वहीं इस दौरान स्कूल चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री पंजाब का उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। नाम उर्वशी है, मैं लेक हेड स्कूल की चेयरपर्सन है। इस टाइम मैं अमृतसर है, पर मैं पिछले 2 साल से कैनेडा रह रही थी। सर, इस तरह होया कि 31 अगस्त में सानू पता लग गया कि
के बदमाश तोड़ के साढ़े स्कूल की प्लेग्राउंड के अंदर वड़ गए सके, ट्रॉली लैके इट्टां दी ते रेत बजरी सारा कुछ लैके अंदर कंस्ट्रक्शन करन लगे सके। असी फैमिली इत्थे नहीं हैगी सीगी क्योंकि असी ऑलरेडी बाहर सके। दो साल पहला मेरे फादर इन लॉ जो ये स्कूल चला रहे सी, जिन्हां दा स्कूल सी डॉक्टर अवतार सिंह, उन्हां दी दो साल पहला डैथ हो गई सी, फैमिली बाहर सीगी ते साडी एबसेंस च डॉक्टर अवतार सिंह दे फ्रेंड दविंदर सिंह संधु वो स्कूल की देखभाल कर रहे सीगे ते वो इत्थे सीगे। उन्हां दे हुंदिया उदों ये अटैक होया सीगा 31 अगस्त नूं। संधु साहब ने उदों लोकल पुलिस नूं लैके बदमाशां नूं बाहर कढ़िया। उस तो बाद असी CM साहब भगवंत मान जी नूं कंटैक्ट किया, उन्हां दी बहुत बहुत मेहरबानी। उन्होंने अगे ADGP प्रवीण सिन्हा नूं कंटैक्ट करा के सानूं FIR करवा के दित्ती सीगी। आखिरी उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम की ओर से दानी सज्जनों के सहयोग से दीपावली पर्व के मद्देनज़र हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फलों की दिवाली के तहत सिविल अस्पताल के मरीजों को फल और दवाइयां वितरित कर मनाएगी, जिसमें अलग अलग संस्थाओं और दानी सज्जनों द्वारा अपने घरों में से फल, बिस्किट, पानी, जूस, दवा इत्यादि सामान दान किया गया। इस मौके पर सचिव लखविंदर सिंह बोरा, गुरविंदर जज, परमिंदर सिंह, परमजीत सिंह, सुखप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखवंत सिंह, अमनदीप सिंह, संदीप यादव, हितवंश महाजन, प्रकार कौर, परविंदर कौर, परमजीत कौर सहित अलग अलग स्कूलों के छात्र और अध्यापकों द्वारा ये सेवा निभाई गई। इस अवसर पर संस्था के प्रधान जतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष उनकी समाजसेवी संस्था की ओर से फलों की दिवाली मनाई जाती है, जिसमें बेघर, बेसहारा, ज़रूरतमंद लोगों और सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों को फल व दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सारे बच्चे आता पला माँ जो नहीं है।
चंडे वाली मैया नाल प्यार हो गया तो सच्ची मुची मैनू चंडे वाली मैया नाल प्यार हो गया पक्को सच्ची मुची मैनू चंडे वाली मैया नाल प्यार हो गया पक्को सच्ची मुची आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया सालासर बालाजी सेवक परिवार की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में बालाजी की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक किशन गोपाल मैपी एंड पार्टी ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर हल्का लोकसभा इंचार्ज अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार से मुकेश अग्रवाल, राजीव शर्मा, अनिल जिंदल, ललित महाजन, राजकुमार शर्मा, आशीष मित्तल, अजय अलंग, विशाल अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, अजय लाली सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान बालाजी की चौकी में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद रूपी लंगर का आयोजन भी किया गया,
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो आइस ड्रग और 1 किलो हेरोइन की बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने हाईटेक नाकाबंदी के दौरान 1 नशा तस्कर को किया काबू, 480 ग्राम अफीम और 1 स्कूटर किया बरामद। जालंधर के भार्गव कैंप में गोली लगने से एक व्यक्ति हुआ घायल, घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।